नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर लर्निंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ में प्रश्नमाला 3.1, जिसमें पहला सवाल है द्विघात बहुपदों शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के और गुणाकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। तो उसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है, यहाँ पर मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूँ। जो सवाल हमें दिया गया वो है 4x + 8x, ये हमें सवाल दिया गया। अब हम सभी को मालूम है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर, एक्स की घात यहाँ पर दो होती है, तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये द्विघात बहुपद है। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, सी यहाँ पर अचर पद होता है, यहाँ पर हमें सी देने रखा है, फिर भी हम यहाँ पर लिख देता हूँ ए बराबर, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक्स की स्क्वायर की घात में क्या दे रखा है, 4x² + 8x, तो यहाँ पर ए बराबर तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद में जो बी के बराबर हमें दे रखा है वो है हमारे 8, सी हमारे पास यहाँ पर नहीं दे रहा है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 0, ठीक है। तो उसके बाद में हमें इसको सॉल्व आउट करना है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमें दो ही पद दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, जहाँ यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, 4x को हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पर 4x को कॉमन ले लिया, अब 4 से 4 कट जाएगा, पीछे बचेगा x, x का भाग x में जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर प्लस, उसके बाद में 8x में 4x का भाग जाएगा दो बार, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों के दो अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि हमें आपको पता है कि जो द्विघात बहुपद होते हैं हमेशा उनके दो शून्य होंगे, तो यहाँ पर दो कर देता हूँ। यहाँ पर 4x बराबर हमें मानना पड़ेगा 0, इसके बराबर हम 0 मानेंगे तभी हमें शून्य प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर 4x बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 4, ये देखो यहाँ पर गुणा में, तो इस तरफ पक्षांतरण करने पर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये इसका 0, एक हमारे पास शून्य कर गया 0। उसके बाद में x प्लस 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 2, ठीक है, बराबर करते हैं 0, तो इस तरफ x है तो प्लस में, तो इस तरफ हो जाएगा माइनस में, ठीक है, एक आ जाएगा माइनस के 2, तो ये दो हमारे पास शून्य कारक हैं। उसके बाद में कह रहा है कि शून्यकों की तथा गुणाकों की सत्यता की जांच करनी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो यहाँ पर होता है कि एक तो होता है कि शून्यकों का योग होता है, भाई शून्यकों का योग। अब आपको पता है कि माना कि बोलते हैं एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक हो जाता है एल्फा इंटू बीटा, एक बार तो इनका गुणा करना है, एक बार इनको जोड़ना है, तो एल्फा और बीटा यहाँ पर शून्यक हम लोगों ने निकाले, एक तो हमारा है शून्य, एक हमारा है माइनस के 2, तो प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के 2, बराबर होने चाहिए किसके, अल्फा और बीटा, तो इसका सूत्र कहता है कि ये बराबर होने चाहिए किसके, यहाँ पर तो होता है माइनस एक्स का गुणाक और एक्स स्क्वायर का गुणाक, मतलब एक्स का गुणाक यहाँ पर हो गया, इसका गुणाक और एक्स स्क्वायर का गुणाक, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस बी के बराबर हमें बी पता है कि हमारे यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के 8 बटा में एक बराबर कितना हमारे पास, ए स्क्वायर में घात कितनी आ रही, 4 की घात है, तो यहाँ पर ए बराबर 4 है तो हम लिख दे 8/4। इस तरफ अब देखो 0 शून्य माइनस 2 होगा, यहाँ पर 0 प्लस माइनस 2 है, और यहाँ पर 4 का भाग देंगे हम 8 में, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर हमारे ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ते तब तो दोनों बराबर आते, या इसका मतलब है कि शून्य के योग में हमारी सत्यता सही है, तो ये एक सत्य है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा और बचता है कि इसका गुणांक भी हमें करके देखना है, तो यहाँ पर उसके बाद में याद करते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर किसके होते हैं, सी बटा ए के, सी अचर पद होता है, यहाँ पर अल्फा और बीटा, यहाँ पर 0 इंटू माइनस के 2, और बराबर क्या, सी हमारे पास कुछ नहीं है, हमने 0 माना था, 0 लिख देते हैं, और ये बराबर हमारे कितना है 4, 4 का भाग 0 में जाओ 0 आएगा, और इसको गुणा करोगे तो ये 0 आएगा, तो ये भी दोनों हमारे बराबर है। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल है जिसको आप कर सकते हैं। सेकंड सवाल में हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि इसमें तीनों पद दिए गए, तो उसको देखते हैं एक बार। दूसरा हमें दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है 4x² - 4x उसके बाद में प्लस का 1, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो हमें दे रखा है उसके बारे में लिख देते हैं कि ए बराबर और यहाँ पर बी बराबर और यहाँ पर सी बराबर, ठीक है। ए बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे पास है 4, और बी बराबर है हमारे पास माइनस के 4, और सी बराबर है 1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो 4x है इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इनको जोड़े या घटाए तो आना चाहिए हमारा वापस माइनस के
चार, और इनको गुणा करें तो आने चाहिए चार और एक को जो गुणा करते हैं, मतलब ए और सी को गुणा करें कितना आएगा चार। मतलब इसके टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पर तो आना चाहिए चार एकम चार ए और सी का गुणा, और जोड़ने पर आनी चाहिए वही वापस संख्या माइनस चार। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस चार है, तो हम क्या करते हैं माइनस चार तो हम ले लेते हैं माइनस के दो ले लेते हैं, माइनस दो, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस के दो, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएंगे माइनस के चार, और इनको जब हम गुणा करेंगे दो दुना चार, ये यहाँ पर चार आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे हमारा सवाल कि फोर एक्स स्क्वायर तो हमें लिखना ही है, इसके बाद हमें यहाँ पर फोर एक्स की जगह लिखना है, फोर एक्स की जगह हमें लिखना है माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स प्लस के एक। अब दोनों में एक कॉमन ले लो जो आपको कॉमन लग रहा है, इसमें हम टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ टू एक्स, ठीक है। उसके बाद दो दुना चार, तो यहाँ पर बचा दो, और एक्स का यहाँ पर बचा एक एक्स, उसके बाद में माइनस, और इसका जाएगा भाग इसमें एक बार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और यहाँ पर ये सेम है संख्या तो यहाँ पर एक ही कॉमन आएगा, इसमें तो एक को कॉमन ले लेते हैं, बाकी हम लिख देते हैं टू माइनस एक, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर टू एक्स। तो आपको सवाल यहाँ पर समझना कि दोनों जो इस कोष्टक के अंदर जो दोनों संख्या है वो समान आ रही, तो यहाँ तक आप सही कर रहे हो, वरना ये असमान आ रही तो आप यहाँ से गलत कर रहे हो। तो आपको ये उसके बाद में क्या करना है कि जैसे मान लो एक तो आ गया मेरे पास टू एक्स माइनस, और दूसरा आ गया टू एक्स माइनस एक, दोनों सेम ही है। तो आपको पता है टू एक्स माइनस एक के बराबर हमने जीरो लिखना है, तो यहाँ पर माइनस के एक यहाँ पर लिखा रख, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का एक, उसके बाद में एक्स के गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में एक बटा दो, एक शून्य का आएगा एक बटा दो, और ये संख्या हमारी सेम ही है, तो दूसरा भी आप इस तरह से करोगे तो एक बटा दो ही आएगा, तो यहाँ पर एक बटा दो। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, पिछले सवाल हमने देखा था कि क्या करते हैं, एक तो करते हैं अल्फा बीटा इनके दोनों की जोड़ करते हैं, और वो किसके बराबर होती है, वो होती है हमारे बी माइनस बी बटा ए के बराबर। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, एक बट्टा दो प्लस एक बटा दो, ठीक है, बराबर माइनस बी के बराबर हमारे क्या दे रखा है माइनस के चार दे रहे, तो पहले माइनस का बी तो इसमें दे रखा है, उसके बाद में माइनस के चार है, ठीक है। तो उसके बाद में ए कितना दे रखा है हमें, ए भी हमें दे रखा है चार, तो यहाँ पर ये इसको जोड़ लो आधा आधा हो जाएगा एक, उसके बाद में इसका भाग चला जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक, ये दोनों संख्या बराबर आ जाती है। अब इसके गुणा को देख लेते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अल्फा बीटा बराबर होने चाहिए, जो गुणाक होते हैं उसमें होता है सी बटा ए, तो यहाँ पर एक बटा दो मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक बटा दो से, और बराबर हम लिखेंगे एक बटा चार, ठीक है। एक को एक से गुणा करोगे एक, दो दुना हो जाएंगे चार, एक बटा चार बराबर एक बटा चार। तो इस तरह से ये आप शून्यकों की जाँच वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितने सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आए, कोशिश कीजिए एक दो बार वीडियो को वापस देखिए, फिर भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।